कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए इन दिनों नगर निगम, फायर ब्रिगेड तथा एनडीआरएफ के द्वारा विभिन्न स्थानों, सरकारी कार्यालयों तथा प्रमुख चौराहों पर सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। जिसके तहत सोमवार को एनडीआरएफ की टीम ने कलेक्ट्रेट स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयों में सैनिटाइज किया, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर गोपी गुप्ता एवं आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा। इंस्पेक्टर गोपी गुप्ता, 11 NDRF RRC गोरखपुर से। देखिए, कोरोना का बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक का मूवमेंट है, जिन दुकानों को पास मिला हुआ है, चाहे ATM है या सबसे ज़्यादा यहाँ DM कार्यालय कैंपस में लोगों का ज़्यादा मूवमेंट होता है, तो यहाँ पे 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का घोल का हम लोग छिड़काव कर रहे हैं, जिससे क्या है कि संक्रमण फैलने में कम से कम हो। देखिए, ऐसा है कि आपदा विभाग समस्त विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य कर रही है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जो पर्टिकुलरली अगर हम ये कहें कि जो कम्युनिटी के साथ ज़्यादा टच में आ रहे हैं, जो डिपार्टमेंट है, जैसे अभी आप देख रहे थे जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय है, यहाँ से शासन को सारी रिपोर्टिंग का काम किया जा रहा है। इससे पहले अभी सैनिटाइजेशन का काम हो रहा था इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में, वहाँ से हम लोग सभी जितनी भी जो भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, किसी को कोई पास वगैरह कुछ जारी करना है या कोई इस तरह के कार्य हो रहे, तो उस डिपार्टमेंट्स हो रहे हैं, तो ऐसे डिपार्टमेंट्स में पब्लिक का आना जाना बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो जिलाधिकारी महोदय का निर्देश था कि ऐसे जो भी स्पॉट्स हैं जहाँ भी पब्लिक का आना जाना ज़्यादा है, वहाँ पर रेगुलर सैनिटाइजेशन किया जाए। तो उसके ही दृष्टिगत आज NDRF ने भी हम लोगों का सपोर्ट किया है। कलेक्ट्रेट में NDRF की एक पूरी टीम आज आई हुई है, एक नया व्हीकल इन लोगों ने अपने मतलब 11th बटालियन वाराणसी से इन्होंने मंगाया है, जो कि ये पूरे जनपद में हम लोगों का एक तरह से वॉलंटरीली पूरा सपोर्ट कर रहे हैं सैनिटाइजेशन में। अभी सोडियम हाइपोक्लोराइड का इन्होंने यहाँ पे 2 स्पॉट्स पे सैनिटाइजेशन किया है, अभी और भी स्पॉट्स पे यहाँ पे रेगुलरली कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अग्निशमन विभाग की भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, नगर निगम की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, DPRO साहब की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो मतलब ये सभी डिपार्टमेंट के लोग इसमें सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोगों की पूरी कोशिश है कि किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण गोरखपुर में न फैलने पाए, इसलिए इसके दृष्टिगत ये सारे कार्य किए जा रहे हैं।